एबे हमें पढ़ीबा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रो एक नंबर पॉइंट दैट इज प्रोटोप्लाज्म। तले प्रोटोप्लाज्म शब्द को जदि भांगी दिया जाए तले कौन मिलिबो प्रोटोस अर्थ फास्ट, प्लाज्मा इज फ्लूइड प्रथम तरल। पिला माने आमे जानिचे जे जेतेबेले पृथ्वी सृष्टि हेला एहा एक उत्तप्त गैसीय पिंड थिला, एहा धीरे धीरे शीतल हेला, सेथिरे प्रथमे जलभाग सृष्टि हेला तापरे स्थलभाग सृष्टि हेला। ताले जो जीवन सृष्टि प्रथमे जलभाग रहिछि, जलभाग रे प्रथमे एककोशी ओ परे बहुकोशी जीव मानकर सृष्टि हेछि। आमे एई प्रथमे जे एककोशी जीव सृष्टि हेतले सेमानको जेली बा एमीबा बोली कहुथले। सेई एमीबार कोष भितरे जेउ जिनिस एमीबाकु जीवन प्रदान करुथिला ताकु प्रोटोप्लाज्म बोली कह जाउथला। तेणु एबे कोषरे जेउ जिनिस कोष को जीवन प्रदान करुछि ताकु मध्ये प्रोटोप्लाज्म कहउछि। ओके, ताले ए प्रोटोप्लाज्म गोटे कोषर जीवनदायी बा गोटे कोषरे जीवन अछि बोली आमे सेतिक बेला कहिबा जे पर्यंत ता भितरे थिबा प्रोटोप्लाज्म जीवित अछि। इले तुम्हें मैंने पढ़ी चो जे कोष झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखुरु न्यष्टि झिल्ली ए जो दूरता यारी भितरे रहिछि एक अर्ध तरल पदार्थ जाकु आमे साइटोप्लाज्म बोली कहू। ओडिया रे जाकु कोष जीवक बोली कह जाए। कोष को जे जीवन प्रदान करे से कोष जीवक। ओके, न्यष्टि भितरे जे तरल पदार्थ रहिछि ताको कह जाए न्यूक्लियोप्लाज्म। जाको ओडिया रे न्यष्टि जीवक बोली पिला माने पढ़िछ। कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाखुरु न्यष्टि झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भितरे जो गैप अछि यारि भितरे देखा जाउथिबा अर्ध तरल पदार्थ को कह जाए साइटोप्लाज्म। ओडिया रे कोष जीव न्यष्टि भितरे बा न्यूक्लियस भितरे थिबा तरल पदार्थ को न्यूक्लियोप्लाज्म जाकु ओडिया रे न्यष्टि जीव को बोली कहू। पिले तुम मन को प्रश्न आसथिबो सारे ये तो रहिला कोष जीव को ता भितरे रहिला न्यष्टि जीव, ताले आदि जीव कोठी अछि? आदि जीव को सेठी अछि केमति ना प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। कोष जीवक समान सॉरी आदि जीवक समान न्यष्टि जीवक युक्त कोष जीव। तेणु आमको आउ कन्फ्यूज होबार नाही आदि जीवक समान न्यष्टि जीवक युक्त कोष जीव। ताले पिले प्रश्न आसीगला गोटे जे प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस ड्यास ड्यास रे बसियो न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियोप्लाज्म इक्वल टू ड्यास साइटोप्लाज्म। ओके, पिले आमे ए पर्यंत जहाँ सब पढ़िलेनी सेतिरु अनेक गुड़िया क्वेश्चन हे पारे। पिले मने रख शहे थर पढ़ा थरे लिखा सह समान जहाँ आम पढ़ुचे शहे थर पढ़ा दरकार ना दि तीन थर पढ़ा थरे लिखा जदि आम ठीक भाव लिखिपारे तोगला देन शहे थर लिखा थरे बुझा सह समान। ओके, शहे थर लिखा दरकार ना
बुझा अष्टम पथ व्हाय एंड हाउ ओके शहे थर बुझा थे बुझेवा सागर सामान आम जहाँ पढ़ुचे सब निजी को बुझे चेष्टा करवा ओके जे एटा एमती नई सेमती हेल्ले कौन हम एटा एमती कहीं एटा एमती कहीं हेनी एमती करें पढ़ा पचार निजी निजे मुझे बुझाऊँ ओके तेणु जहाँ आम पढ़ुचे बुझा पे आ गए भल कथा मन रख जब प्लस टू सैन्स ट्वेल्थ में भल रिजल्ट कराया चाहच ताल तुमको मुझे टेक्निक कह देख पे आम बुझे जे ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी ताले ए गोटाक जदि आंसर हुए क्वेश्चन टा कोन हो ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एटा ला उत्तर प्रश्न टा कोन डिफाइन बायोलॉजी और व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजी जदि ए प्रश्न पचरा जाए उत्तर टा से तेणु पिले तुम खाता रे तुम जो नोट लिखु से नोट रे कौन करिवो ना जहाँ लिखिलो सेटा जदि आंसर हुए तार प्रश्नटा कौन ता ऊपर लिख दो सब बेले मन रख जे प्रश्न तयारी करि पाला तार हे गला पाठ सब बेले प्रश्न तयारी करिया को चेष्टा कर एटा मो पाखरे थिबा तथ्यटा जदि आंसर हुए प्रश्नटा कौन ओके तले आमे जो फेसबुक माध्यम रे पढ़ाऊ सिस्टम करिछु पिला मानकर काम होला वीडियो देखिबे सार जहाँ बुझौछन तारा नोट तयारी करिबे से नोट रो फोटो उठाई विक्रम सार को नंबर को सेंड करिबे ओके तेणु आमको प्रथमे बुझिया पड़िबो जे जहाँ पढ़ा होछि एटा जदि आंसर होय तारा क्वेश्चन टा कर सबले क्वेश्चन तयारी करिया को चेष्टा कर जदि कोनोसी भी सब्जेक्ट रे तुमे भलो करिया को चेष्टा करछ ट्राई टू मेक क्वेश्चंस ओके देन एबे हमें बुझीगले प्रोटोप्लाज्म कौन कौटी थाए एबे देखिबा प्रोटोप्लाज्म किपर यार नेचर ये देखिया को किपर बा यार नेचर किपर ओके प्रोटोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लुइड कोष भितर देखा जाउतिबा आदिजीवक होउछि एक अर्ध तरल कलरलेस रंगहीन पानी रो रंग जेंती किछि नाही प्रोटोप्लाज्म रो सेंती किछि रंग नाही प्रोटोप्लाज्म इज ए सेमी फ्लुइड कलरलेस ट्रांसपेरेंट स्वच्छ जहाँ मध्य देई आलोक गति करि पारे अर्ध तरल रंगहीन स्वच्छ कलोइडल सब्सटेंस प्रोटोप्लाज्म होची एक अर्ध तरल रंगहीन स्वच्छ कलोइड जातीय पदार्थ एबे बुझिबा कलोइड कोन पिले तुम्हें द्रवण जानिछ द्रव आउ द्रावक चीनी हेला द्रव पानी हेला द्रावक चीनी पानी हेला द्रवण सेमती जदि आमे तरल विषय विचार करिबा तले तीनटा कंडीशन हमको आसीबो गोटे हेला सॉल्यूशन द्रवण गोटे आसीला कलोइड गोटे आसला सस्पेंशन ताले द्रवण क्या कहे ना जो थे मॉलिक्यूल साइज 10^-9 मीटर रु छोट से द्रवण चीनी पानी रे चीनी दानार साइज 10^-9 मीटर रु छोट तेणु चीनी पानी एक सल्यूसन या छाणी अलग करके कलोइड मॉलिक्यूलर साइज 10^-9 टू 10^-6 मीटर भीतर सॉल्यूशन रो एग्जांपल हैला चीनी पानी लुणो पानी एगुडी कहला सॉल्यूशन कलोइड रो एग्जांपल हैला रक्त क्षीर
साबुन पानी प्रोटोप्लाज्म इंक एगुड़िक कलर्ड जमी द्रवण रे गोटे अच्छे सॉलिड गोटे अच्छे लिक्विड सॉलिडटा को कौचे सॉल्यूट लिक्विडटा को कौचे सॉल्वेंट टोटल दिज जाक मिसीगले कौचे सॉल्यूशन सेमती आमर रक्त हो कि साबुन पानी हो कि इंक हो से गोटे तरल पदार्थ अच्छे गोटे कठिन पदार्थ अच्छे तरल पदार्थ को कह जाए डिस्पर्सन मीडियम कठिन पदार्थटा को कह जाए डिस्पर्सड फेज ओके ताले कलॉइड जो मानकर मॉलिक्यूलर साइज 10 टू द पावर माइनस 9 रु 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर भीतर से मानक में कलॉइड कहू छे तेनु खीर साबुन पानी हमरो ब्लड इंक ए माने जो जातिर ए प्रोटोप्लाज्म होची गोटे सही जातिर जिनिस जाको में कलॉइड बोली कहू छे ओके सस्पेंशन कोन ना जो मानकर मॉलिक्यूलर साइज 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर रु बड़ से मानले सस्पेंशन नई बड़ी पानी चक गुंड पानी एगुड़ी हूँ सब सस्पेंशन जेमती मॉलिक्यूल गुड़ा टी बड़ 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर रु बड़ से मानकर हमें कहे सस्पेंशन तेणु ये थिला प्रोटोप्लाज्म रो कोलोइडल नेचर विषय ओके यह एक अर्ध तरल रंगहीन स्वच्छ कलॉइड क्षीर साबुन पानी रक्त जो भाई जिनस ये गोटे से सल्यूशन देन इट गिव्स लाइट टू ए सेल पिले तुम मन प्रश्न आसो जो कोषटा जीवित किपरी अच्छी ना ता भीतर थी प्रोटोप्लाज्म जो कोषटा जीवित अच्छी प्रोटोप्लाज्म जो कोषटा जीवित अच्छी अर्थर यार अर्थ हो जे प्रोटोप्लाज्म एक कोष को जीवन प्रदान करिथाय प्रोटोप्लाज्म प्रोवाइड्स लाइफ टू ए सेल जो जाए सेल भीतर थी प्रोटोप्लाज्म जीवित अच्छी से पर्यंत कोष जीवित अच्छी जोटि प्रोटोप्लाज्म डेड सेठी कोष होगला डेड ओके ताले यही कारण जो साइंटिस्ट जे एच फॉक्सले कहले प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कौन यार अर्थ जेहेतु कोष को जीवन प्रदान करुवा जिनसटी हूँ प्रोटोप्लाज्म तेणु जे एच हक्सले प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ जीवन भौतिक आधार पिले तुमको जदि पचरा जाए जे जीवन भौतिक आधार किए तुम उत्तर हम प्रोटोप्लाज्म हु एक्सप्लेन प्रोटोप्लाज्म आज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ तुम उत्तर आस जे एच हक्सले जे एच हक्सले एक्सप्लेन प्रोटोप्लाज्म आज डैश आंसर इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ ताले ये थिला हमरो प्रोटोप्लाज्म विषय तथ्य कौन आम बुझिले ना जो ऑर्गेनिज्म जीवित अच्छे लिविंग अच्छे से कोष को नहीं गठित से कोष भीतर थिबा जीवंत पदार्थ कौन ना कोष भीतर थिबा जीवंत पदार्थ होची प्रोटोप्लाज्म यही जीवंत पदार्थ जे पर्यंत जीवित अच्छे से पर्यंत कोष जीवित अच्छे यही जीवंत पदार्थ प्रोटोप्लाज्म डेड सेल इज डेड ओके तेणु जी बंचीची तार कोष अच्छी कोष बंचीची कारण कोष भीतर अच्छी